वेलकम फ्रेंड्स, प्राइम टेलीकॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो Y91 कैसे ओपन किया जाता है, इसकी डिसअसेंबली कैसे की जाती है। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो वीवो Y91 का टूटा हुआ ग्लास है स्क्रीन का, उसको हम फ्रेम से कैसे निकालेंगे। इसको आप दूसरे जो अदर फोन्स हैं जो इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ में आते हैं, उनको फ्रेम से कैसे बाहर निकालना है, उनमें भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको डिसअसेंबली भी करके दिखाता हूँ और इसका ग्लास जो है टूटा हुआ और उसको कैसे फ्रेम से हमें सेफली बाहर निकाला, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका जो बैक है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के लिए आप जो ओपनर आते हैं मार्केट में वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको हाथ से भी ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसकी सिम ट्रे है उसको हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो इसका बैक पैनल है उसको हम धीरे से ओपनर की मदद से बाहर निकाल लेंगे। इसका जो फिंगरप्रिंट होता है वो जो बैक पैनल है इसका, उसके अंदर ही लगा हुआ होता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है जब हम इसका बैक पैनल निकालें तो फिंगरप्रिंट है उसका ध्यान रखें, एकदम से हमें बैक पैनल हटाना नहीं है। इसको हम धीरे से अलग करेंगे, उसके बाद में जो बैक रियर में इसका फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है उसका जो पत्ता है उसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। चलिए, इसको मैं एक बार जो बैक पैनल ओपन करता हूँ इसको। इस टाइप के जो फ़ोन है इन्फिनिटी डिस्प्ले वाले, उसका जो फोल्डर होता है टूटा हुआ, उसको निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि जो एजेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, तो अगर आप इसमें अच्छे से काम नहीं कर पाते तो जो फोल्डर के टूटने के चांस हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बैक पैनल तो मैंने ओपन कर लिया है, अब इसका जो फिंगरप्रिंट है आप जो देख रहेंगे ये हम इसके अंदर से निकालेंगे। इसके जो स्क्रूज हैं उसको हम ओपन कर लेंगे, उसके बाद में इसका पत्ता हटाएंगे। इसको हटाने के बाद में फ्रेंड से फिर हम इसकी जो बैटरी है उसको बाहर निकाल लेंगे। बैटरी है वो चिपकी हुई होती है इसके अंदर, तो इसके ऊपर जो आपको क्रीम जो ये टेप दिखाई दे रही है इसको हमें पकड़ना है और इसको पुल करते हुए हमें बैटरी को बाहर निकालना है। जो इसमें हमारा फोल्डर होता है उसका पत्ता नीचे की तरफ लगा हुआ होता है, तो हम उसको भी बाहर निकाल लेंगे। चलिए, बैटरी है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब बैटरी बाहर निकालने के बाद में हम इसकी जो स्क्रीन का जो पत्ता लगा हुआ है उसको भी हम हटा लेंगे मदरबोर्ड के अंदर से। उसके बाद हम इसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद हम जो फोल्डर है उसको बाहर निकालेंगे। तो बैटरी है मुड़ जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम सीधा भी कर लेंगे। चलिए, अब इसके जो फोल्डर है इसका उसको हम बाहर निकालेंगे। पहले हम ये जो पत्ता आपको मैं बता रहा हूँ इसको हम मदरबोर्ड में से हटा लेंगे, और इसको हटाने के बाद में हम इसके सामने स्क्रीन पर केमिकल यूज़ करेंगे, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा केमिकल डालेंगे जिससे कि जो फोल्डर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए निकलने में, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये जो आपको मैंने दिखाया है इसको भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा जो टेप है लगी हुई है फोल्डर में चिपकी हुई है, तो ये मैंने कट कर दिया इसको। अब हम इसके ऊपर केमिकल लगाएंगे। मेरे पास ये बॉन्ड नाम से केमिकल है, ये आप मार्केट से ले सकते हैं। तो हम इसको चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे, इससे जो हमारा फोल्डर लगा हुआ होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, उसमें जो ग्लू से चिपका होता है वो ग्लू थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है और हम इस फोल्डर को थोड़ा ईजिली बाहर निकाल पाते हैं।
मैं इसको चारों तरफ से लगा देता हूँ। जो कैमरा है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको ये नहीं लगाना, नहीं तो अगर कैमरे के लेंस पे ये लग जाता है तो कैमरे का लेंस भी ख़राब हो सकता है। चलिए इसको लगाने के बाद हम इसको अपनी जो हीटिंग मशीन है उसके ऊपर इसको रखेंगे और कम से कम 7 से 8 मिनट तक इसको हम गर्म करेंगे 120 के टेम्परेचर पे। देखिए 120 का जो टेम्परेचर मैंने पहले से इसमें कर रखा, पहले से ऑन कर दिया था, तो इसको हम 7 से 8 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद में हम इसको जो फोल्डर है उसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स मैंने इसको 7-8 मिनट तक गर्म कर लिया है अच्छे से 120 डिग्री टेम्परेचर पे। तो चलिए अब इसका जो ग्लास है टूटा हुआ उसको हम फोल्डर के साथ बाहर निकालने वाले हैं, तो उसको हम चलिए बाहर निकालते हैं। फ्रेंड्स इतनी देर रखे जाने पर ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो इसको हमें इसके ऊपर हम कुछ लगा के फिर इसको पकड़ेंगे और फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, आप इसको निकालने के लिए प्लास्टिक कार्ड है वो भी यूज कर सकते हैं, साथ ही अगर आपके पास ओपनर है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ओपनर है वो आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा आपको डालना है ओपनर, और उसको डालने के बाद में आपको बिल्कुल हल्का हल्का इसको चारों तरफ घुमाना होता है। देखिए जैसे मैंने ओपनर लगा दिया है तो इसको बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं फोल्डर है जो फ्रेम और फोल्डर के बीच में हल्का हल्का ही थोड़ा सा ही अंदर तक डाल रखा है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ही घुमाने वाला हूँ जिससे कि जो हमारा फोल्डर चिपका हुआ है वो इजीली उतर जाए। और ऐसा करने के बाद आप जो प्लास्टिक का कार्ड है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, बिल्कुल आपको धीरे धीरे करना है, इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो जो ये फोल्डर है काफ़ी नाजुक होता है, जल्दी ब्रेक हो सकता है, जल्दी टूट सकता है, तो ये हमें बहुत ही धीरे धीरे करना है। जहाँ तक हम कार्ड का यूज़ कर सकते हैं हम करेंगे, और जैसे इसमें थोड़ा सा स्पेस बनेगा कार्ड डालने के लिए हम इसमें कार्ड डाल के तो इजीली बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर स्पेस है थोड़ा सा बन गया है, हम यहाँ पर अपना जो प्लास्टिक का कार्ड है उसको डाल देंगे और साइड में से हल्के हल्के आराम से इसको हम जो फोल्डर की जो ग्लू है उसको हमें थोड़ा सा हल्के हाथों से कार्ड को अंदर तक ले जाते हुए उतारेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका जो पत्ता है वो बिल्कुल नीचे होता है जो डिस्प्ले का पत्ता, तो आपको ऊपर से आप जैसे चाहें कार्ड घुमा ले तो पत्ता है वो नीचे होता है, तो आपको नीचे सिर्फ ध्यान रखना होता है कि जब आप नीचे पहुंचेंगे कार्ड डालते हुए तो वहां पर आप कार्ड को एकदम से ना लगाएं। देखिए ऊपर से तो हमारा फोल्डर उतर चुका है लेकिन अब जो नीचे से बचा हुआ है तो हम इसको नीचे से भी बिल्कुल आराम आराम से उतारेंगे, इसमें हम हल्का सा केमिकल और लगा देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए दोबारा भी गर्म कर सकते हैं। ये जो है कोने पर से टूटा हुआ है तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसका भी हम ध्यान रखेंगे। ये जो पन्नी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जो हमारी ओवरसीयर लगी आती है उसके अंदर से निकलती है बिल्कुल पतली सी, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स इस प्रकार के जो फोल्डर्स हैं होते हैं जो इन्फिनिटी की डिस्प्ले के साथ आजकल फुल व्यू वाली डिस्प्ले में आते हैं, इसको बड़े ही आराम से हमें उतारना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि अगर हम इसमें सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये टूट सकता है। तो इस प्रकार के फोल्डर्स को उतारने में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन आप इसको सेफली उतार सकते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको उतार दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो है हल्का हल्का हिल रहा है, यहाँ से ये बिल्कुल निकल चुका है, सिर्फ एक तरफ का कोना है वो चिपका हुआ है। तो मैं इसको धीरे धीरे हिलाकर वहाँ से भी निकालने वाला हूँ। हम इस पर थोड़ा सा केमिकल लगा लेते हैं ताकि ये जो यहाँ से चिपका हुआ ये भी ईजिली उतर जाए। देखिए बिल्कुल आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ से हमारा फोल्डर निकल चुका है, मैं इसको बिल्कुल धीरे धीरे दूसरी तरफ से भी निकाल रहा हूँ। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी होती हमें, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ऐसा काम करने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स से जो हमारा फोल्डर है वो फ्रेम के अंदर से ईजिली निकल चुका है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से जो ग्लास है थोड़ा सा वो फ्रेम पे चिपका हुआ रह गया है, तो उसके नीचे से जो हमारा फोल्डर है वो इजीली बाहर आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप कोई भी जो इन्फिनिटी स्क्रीन वाला फ़ोन आजकल जो नए आए हुए हैं उनका जो फोल्डर है वो उतारना होता है वो इजीली उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। आप देख सकते हैं कि इसमें जो साइड में से जो फ्रेम है बिल्कुल हल्का हल्का है, बिल्कुल बारीक फ्रेम में ये फोल्डर है चिपका हुआ आता है। जो इन्फिनिटी डिस्प्ले वाले फ़ोन हैं वो इसी प्रकार से आते हैं। अब मैं आपको इसको एक बार ऑन करके चेक भी करवाने वाला हूँ कि हमारा जो फोल्डर हमने निकाला है वो हमारा सेफ निकला है या नहीं निकला है। चलिए हम इसको लगा के ऑन कर लेते हैं हमारे फ़ोन को, इससे ये पता लग जाएगा कि हमारे जो फोल्डर है वो जिस तरीके से हमने निकाला है वो सेफ निकला है या नहीं निकला है। आप इसको कोई भी जो फ़ोन होता है इन्फिनिटी स्क्रीन वाला उसकी स्क्रीन को फ्रेम से निकालने के लिए इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स से फ़ोन मैंने ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं जो स्क्रीन हमारी बिल्कुल सेफली बाहर निकल आई है, बिल्कुल सेफ निकल चुकी है ये। और अब हम इसको एक बार चला के देखेंगे इसकी टच वर्किंग कैसी है वो भी एक बार चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो टच है अगर आप नया फोल्डर भी यूज़ करते हैं तो इस टाइप की जो फोल्डर आते हैं उसमें अगर आप इस टच वर्क करेगी या नहीं करेगी तो वो भी आपको बताऊंगा। इसको अगर आप नीचे रखेंगे फोल्डर को बिल्कुल फ्लैट करके तो आपकी जो टच है वो वर्क करने लग जाती है। देखिए जब ऐसे नहीं कर रही है, अब मैं इसको बिल्कुल नीचे मिला के रखने वाला हूँ और अब आप देखिएगा कि वर्क करेगी या नहीं करेगी। मैंने बिल्कुल नीचे रख दिया है और अब हम इसकी टच चेक करेंगे। देखिए अब जो है इसकी टच वर्क करने लग गई है और जब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो इसकी टच वर्क नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम फ्रेंड्स प्राइम टेलीकॉम में आपका स्वागत।